क्रिएटिव विनीता चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ चॉकलेट आइसक्रीम, जिसे हम चॉकलेट कुकीज से बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए चॉकलेट कुकीज। मैंने इस ब्रांड के 3 पैकेट लिए हैं, शुगर, फ्रेश क्रीम, पाउडर मिल्क, दूध जो ठंडा होना चाहिए एंड वनीला एसेंस। सबसे पहले बिस्किट और चीनी को ब्लेंड करके फाइन पाउडर बना लेंगे। चीनी आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। बिस्किट और चीनी को मैंने फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे। इसमें हम डालेंगे अब मिल्क पाउडर, फ्रेश क्रीम, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस। वनीला एसेंस कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो ना डालें, ये टेस्ट को थोड़ा सा एनहेंस कर देता है। इन्हें अब हम अच्छे से मिक्स करके ठंडा दूध डालेंगे और फिर से ब्लेंड करेंगे। अगर आपका मिक्सी का जार छोटा हो तो इसे 2 बैचेस में करें, अदरवाइज मिक्सर ग्राइंडर लोड नहीं ले पाएगा। बैटर अगर आपको ज़्यादा थिक लगे तो उसमें थोड़ा दूध डालकर ब्लेंड करें। मैं इसमें दूध डालकर और 2 बैच में ब्लेंड करूँगी। बैटर हमारा बनके तैयार है। ये न ज़्यादा थिक है न ज़्यादा रनिंग है, ये बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में है। ऐसा ही बैटर हमें चाहिए। इसे अब हम किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर पोर करेंगे। अब इसे हम प्लास्टिक कवर से कवर कर देंगे। अगर आपके पास प्लास्टिक कवर नहीं हो तो आप बटर पेपर या फॉइल पेपर किसी से भी कवर कर सकते हो। कवर कर देने से इसके ऊपर आइस क्रिस्टल जम के नहीं आते और आइसक्रीम हमारी स्मूथ बन के निकलती है। 3 से 4 घंटे बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ, ये बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब इसे हम फिर से ब्लेंड करेंगे। ऐसा करने से आइसक्रीम के सारे एयर बबल्स निकल जाते हैं। इसे हम 2 से 3 बैच में ज़रूरत पड़ने पर दूध डालकर ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग के बाद बैटर हमारा कुछ इस तरह स्मूथ होना चाहिए। अगेन इसे हम पोर करके प्लास्टिक रैप लगाएंगे, लीड लगाकर ओवरनाइट 12 से 15 घंटे के लिए डीप फ्रिज में रख देंगे। आइसक्रीम को ओवरनाइट रखने के बाद आइए इसे चेक करते हैं, ये सेट हुई है या नहीं। ये परफेक्टली सेट हो चुकी है। आइसक्रीम को अब हम सर्व कर लेंगे। ये बिल्कुल मार्केट के आइसक्रीम के जैसे बनके तैयार हुई है। अगर आपके पास चोको चिप्स हो तो आप उससे गार्निश करें। मैं अभी चॉकलेट सिरप से गार्निश कर रही हूँ। हमारी आइसक्रीम बनके तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल बटन को प्रेस करें।